हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्डरविट 12 इंजेक्शन के बारे में। इसके यूज़ क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। एल्डरविट 12 इंजेक्शन में विटामिन B12, फॉलिक एसिड, नियासिनमाइड, विटामिन सी, यह सब तत्व पाए जाते हैं। विटामिन बी मेटाबॉलिक विटामिन B12 की कमी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। फोलिक एसिड की संरचना फोलिक एसिड को रोकने और फोलेट की कमी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी जटिलताओं अनीमिया की तरह आंत्र की अक्षमता, पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित करने के लिए फोलिक एसिड भी जिगर की बीमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, शराब और किडनी डायलिसिस सहित फोलेट की कमी की स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। गर्भपात महिलाओं को फोलिक एसिड लेने के लिए गर्भपात और न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए सलाह दी जाती है। नियासिनमाइड विटामिन B3 का एक रूप है और इसका उपयोग नियासिन की कमी को रोकने के इलाज में काम आता है। विटामिन सी शरीर द्वारा कोलेजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे त्वचा स्वास्थ्य, स्नायु कंडरा गठन, रक्तवाहिकाओं स्वास्थ्य, हड्डी का स्वास्थ्य, दांत स्वास्थ्य, उपास्थित स्वास्थ्य, घाव भरने की प्रक्रिया, विषाक्त में बुरे प्रभाव से लड़ना। एल्डरविट इंजेक्शन के दुष्प्रभाव बहुत ही सामान्य हैं। कब्ज, मुंह में कड़वा स्वाद, जी मचलाना, स्लीपिंग गड़बड़ी, एलर्जी, ये सब इसके कारण हैं। एल्डरविट इंजेक्शन के प्राइस के बारे में बात करें तो यह 29 रुपीज़ के करीब आपको हर फार्मेसी में आपको आसानी से मिल सकेगा। एल्डरविट इंजेक्शन 2 एम्प्यूल का इंजेक्शन होता है। यह घुटनों में दर्द हो, थकावट हो, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।